हाँ तो नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आपको आपके अपने YouTube चैनल राजा ऑनलाइन क्लासेस में। साथियों आज के इस वीडियो में कुछ स्पेशल होने जा रहा है। स्पेशल क्या है? स्पेशल ये है कि आज के इस वीडियो में मैं आपके बीच लेकर उपस्थित हूँ एक बढ़िया सा क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। जी हाँ, 2024 के मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में जब मैथ का पेपर हुआ सेकंड पाली में, तो ये सवाल पूछा गया 5 नंबर के अंदर। और ये इतना अच्छा सवाल है जिसका जवाब नहीं मतलब बनाइएगा तो गलती होने की चांसेज ही नहीं है, अगर आपका कॉन्सेप्ट अच्छा है तो। लेकिन बहुत सारे बच्चों ने इस प्रश्न को छोड़ दिए होंगे। हो सकता है कि ये सवाल दोबारा आपके 2025 के एग्जाम में पूछ दिया जाए अगर आप 2025 के कैंडिडेट हैं। यदि आप मैट्रिक का परीक्षा 2025 में देंगे तो आपके लिए वीडियो बहुत ही सुपर होने जा रहा है। जहां तक आपको ये पता भी होगा कि मैं लगातार आपके बीच उपस्थित हो रहा हूं एक नए नए वीडियो के लेकर, जिसमें मैं गणित को पढ़ा रहा हूं। अभी मैं आपके बीच जो है द्विघात समीकरण स्टार्ट कर चुका हूं। जी हाँ, जिसका पहला नंबर एक्सरसाइज 4.1 के प्रश्नों को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो उस वीडियो को आप जरूर देख लीजिएगा, उसके बेसिक जानकारी आप जरूर लीजिएगा। पहला नंबर वीडियो जो कि वहां पर लिखा हुआ है फुल परिचय करके, उसको आप जरूर देखिएगा। बहुत ही क्लासिकल वीडियो है सर, मजा आ जाएगा सर, इतना अच्छा वीडियो है। ठीक है, तो देर ना करते हुए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं कि 2024 के बोर्ड परीक्षा में कैसा सवाल पूछा गया था मैट्रिक में। जी हाँ, और अगर आप 2025 के कैंडिडेट हैं, आपकी परीक्षा 2025 में है, तब बेहतर तैयारी करना चाहते हैं तो राजा ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब चैनल से अभी जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने सभी दोस्तों को भी जोड़ दीजिए। जी हाँ, ताकि आपके साथ साथ भी उनका भी बेड़ा पार हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ध्यान दीजिए, ये सवाल आपके सामने लिखा हुआ है कि एक आयताकार मैदान का क्षेत्रफल 260 वर्ग मीटर है, उसकी लंबाई 5 मीटर कम और चौड़ाई 2 मीटर अधिक होने पर वह वर्गाकार हो जाता है। तो आयताकार मैदान की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करें या निकालें। ये कितना नंबर का प्रश्न है? 5 नंबर पूरे मिलेंगे आपको, 5 नंबर पूरे मिलेंगे एग्जाम के अंदर। जी हाँ, तो 2024 का जो एग्जाम था वो तो खत्म हो गया। हो सकता है कि 25 में पूछेगा तो आपसे मिस नहीं हो जाए सर। इस मिस की वजह से मैं आपके बीच उपस्थित हो गया हूं इस प्रश्न को लेकर। चलिए पहले प्रश्न को समझते हैं। आयत क्या होता है सर? आयत ऐसी आकृति होती है, एक चतुर्भुज है जिसके आमने सामने की लंबाई बराबर होती है, उसी को आप आयत कहते हैं। आयत की खास बात क्या है कि आमने सामने, ये इसके सामने ये है और इसके सामने ये है, तो जितना लंबा ये यहां से यहां होगा है ना, उतना ही ये भी होगा। तो आयत की आमने सामने की भुजा बराबर, तो इसके सामने ये, तो ये दोनों इक्वल, इसके सामने ये और इसके सामने ये, तो ये दोनों इक्वल हो जाता है, ये दोनों बराबर होते हैं, उसी को आप क्या कहते हैं? आयत। और बात चली है आयत के साथ साथ वर्ग की, ये तो आयत है ठीक है, आयत की ये लंबाई है तो ये चौड़ाई है, चौड़ाई को आप बी बोलते हैं, लंबाई को आप एल बोलते हैं। तो अगर ये एल है तो ये भी एल होगा, चूंकि सामने आमने बराबर होता है, तो ये बी है तो ये भी बी होता है। बात समझ रहे हैं कि नहीं? अगर हम बात वर्ग की करें तो वर्ग में क्या फर्क होता है और आयत में क्या अंतर है वर्ग और आयत में? तो अंतर सिर्फ इतना का है कि वर्ग, ध्यान से मेरी बात को समझने का प्रयास कीजिएगा, वर्ग और आयत में सिर्फ इतना का अंतर है कि वर्ग की चारों भुजाएं आपस में बराबर होती। हो सकता है आपको थोड़ा सा टेढ़ा दिखता होगा, मैं सीधा करने का प्रयास कर रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। ये आपके पास क्या है? तो ये वर्ग है। ये क्या है? वर्ग है। वर्ग की क्या खास बात है कि आमने सामने की नहीं बल्कि सभी भुजाएं बराबर होती है, ये वाला और ये वाला, सभी भुजाएं बराबर होती है। और वर्ग की भुजा को आप ए से डिनोट करते हैं, तो ये ए तो ये भी ए हो जाता है, ये भी ए हो जाता है और ये भी ए हो जाता है। यानी कि अगर ये 2 सेंटीमीटर तो ये भी 2 सेंटीमीटर, ये भी 2 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर, तो ये बन जाता है आपके पास वर्ग और ये हो जाता है आपके पास आयत। तो आयत और वर्ग में फर्क क्या है? आयत की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, जबकि वर्ग की सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है, सभी भुजाएं, आमने सामने का चक्कर उसमें नहीं है।
तो ये आयत, ये वर्ग। अब इसके क्षेत्रफल की अगर हम बात करें, एरिया की, क्षेत्रफल मतलब इसके अंदर का जगह कैसे निकाला जाता है, तो आयत की लंबाई को चौड़ाई से मल्टीप्लाई करके, यानी इसका क्षेत्रफल की अगर हम बात करेंगे तो क्षेत्रफल क्या होता है आयत का, लंबाई गुने चौड़ाई, क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई आयत का क्षेत्रफल होता है। बचपन में आप पढ़े होंगे, क्लास 8 में भी पढ़ने को मिलता होगा। और वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग की सभी भुजाएं तो बराबर होती है, तो वर्ग का जो क्षेत्रफल हो जाता है यह हो जाता है भुजा स्क्वायर, क्या हो जाता है, भुजा स्क्वायर होता है। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई, यस सर, इतनी बात हमको समझ में आ चुका है। तो फिर आगे का प्रोसेस क्या है, आगे का प्रोसेस समझिएगा। यहां पर प्रश्न जरा समझने का प्रयास कीजिए, एक आयताकार मैदान का क्षेत्रफल 260 वर्ग मीटर है। सपोज कीजिए कि यही आपके पास आयत है, ठीक है, जिसका एरिया कितना दिया हुआ है, 260 मीटर स्क्वायर, यानी कि वर्ग मीटर, मैं डायरेक्ट लिख देता हूं मीटर स्क्वायर, ठीक है, मीटर स्क्वायर लिख देता हूं। आगे क्या बोला है, उसकी लंबाई 5 मीटर कम कर दें। एक बात बताइए, सपोज कीजिए, मैं दूसरा आयत लेके बता रहा हूं आपको, ये आयत है, ठीक है, ये आयत हो गया, अगर इसकी लंबाई 10 मीटर है, 10 मीटर, और चौड़ाई को मान लेते हैं कि ये जो है 4 मीटर है, ठीक है। तो यहां पर क्या है कि एक आयताकार मैदान का क्षेत्रफल 260 वर्ग मीटर है, यानी कि वर्गाकार मैदान है जिसका एरिया 260 वर्ग मीटर है, अगर उसकी लंबाई, किसकी लंबाई, वही आयताकार मैदान की लंबाई जिसका क्षेत्रफल 260 मीटर वर्ग मीटर है, उसी की बात हो रही है, जी हां, उसकी लंबाई को 5 मीटर कम, ये 10 है तो 5 कम होगा तो लंबाई छोटी हो जाएगी, हो जाएगी। तो यहां पर क्या बोला है कि अगर लंबाई को 5 मीटर कम कर दें तो 10 में से 5 घटाइएगा तो 5 बचेगा। सपोज कीजिए कि यहां पर आ गया, है ना, आधा हो गया, आधा हो गया, 5 मीटर कम कर दी जाए और चौड़ाई 2 मीटर अधिक होने पर, चौड़ाई पहले कितना था 4, अब 2 मीटर अधिक यानी कि हो गया 6 कर देने पर वह वर्गाकार हो जाता है। वर्गाकार, देखिए ये वर्ग के आकार का हुआ कि नहीं, वर्ग के आकार का हुआ कि नहीं, यस सर, वर्ग के आकार का हो चुका है। तो कर दिया जाए तो, कर दिया जाए, वर्गाकार हो जाता है तो आयताकार मैदान की लंबाई कितनी है और चौड़ाई कितनी, यही आपको निकालना है। बात समझ गए, यानी कि आपको यह चीज मानकर चलना पड़ेगा कि, ध्यान दीजिएगा यहां पर मैं सॉल्यूशन करता हूं, बड़े प्यार से समझिएगा, हम यहां लिखेंगे कि माना कि आयताकार, आयताकार है ना, आयताकार मैदान, मैदान की लंबाई, की लंबाई, आयताकार मैदान की लंबाई कितना मान लेते हैं, एक्स, एक्स का है मानिएगा, एल मान लीजिए, लंबाई एल मीटर है, एल मीटर है, बात समझे, लंबाई को आपने एल मान लिया, चौड़ाई को भी मान लीजिए, तथा आप लिखेंगे यहीं पर लिख दीजिए, तथा चौड़ाई, चौड़ाई कितना मान लेते हैं, तो चौड़ाई जो है आपके पास बी मीटर है, बी मीटर है, तो आपने लंबाई को एल, चौड़ाई को बी माना। मैं इसको यहां पर से मिटा देता हूं, क्योंकि जो समझाना था आपको मैंने समझा चुका है, ठीक है, इतनी बात समझ में आ गया आपको अच्छे से। लंबाई को आपने क्या कहा, एल, और चौड़ाई को बी, यानी कि जो आपका चौड़ाई वो बी मीटर हो गया है, ठीक है। आगे बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा, एक आयताकार मैदान का क्षेत्रफल 260 वर्ग मीटर कब होगा, जब उसकी लंबाई 5 मीटर कम और चौड़ाई 2 मीटर अधिक होने पर, अधिक होने पर, यानी कि लंबाई 5 मीटर कम हो रहा है, लिखेंगे आप इसलिए, इसलिए प्रश्न से, कहां से, तो प्रश्न से, इसलिए प्रश्न से, है ना, लंबाई 5 मीटर कम, तो लंबाई में 5 कम कीजिए, लंबाई में 5 कम, कम का मतलब माइनस में, घटा दिए आप, और चौड़ाई, ये आपके पास लंबाई है, और चौड़ाई की अगर हम बात करते हैं, चौड़ाई की, तो चौड़ाई कितना कह रहा है, तो चौड़ाई 2 मीटर अधिक, चौड़ाई क्या है, बी, तो बी में 2 आप जोड़ दीजिए, तो ये इतना मीटर हो गया, और ये क्या है आपके पास, तो ये लंबाई है, तो लंबाई इतना मीटर हो गया,
बात को समझिएगा, ये लंबाई है और ये आपके पास चौड़ाई है। लंबाई में 5 मीटर कम की बात बोला तो मैंने एल माइनस 5 लिखा, और चौड़ाई में 2 मीटर अधिक की बात कहा तो मैंने बी प्लस 2 लिख दिया। कोई दिक्कत यहां तक नहीं। अब एक बात बताइए, यहां पर क्या बोला था कि अगर उसकी लंबाई 5 मीटर कम और चौड़ाई 2 मीटर अधिक हो तो वह क्या बन जाता है? वर्ग। क्या बन जाता है? वर्ग बन जाता है। वर्ग बन जाता है सर, यानी कि ये जो लंबाई है ये वर्ग की लंबाई है और ये जो चौड़ाई है ये वर्ग की चौड़ाई है। जरा सा ध्यान देने का आप प्रयास करेंगे, वर्ग के बारे में मैंने अभी अभी आपको बताया कि वर्ग की सारी भुजाएं आपस में बराबर होती है, सब बराबर होती है, चारों का चारों भुजा आपस में बराबर होता है। अगर ये वर्ग की लंबाई है, अगर ये वर्ग की चौड़ाई है, अर्थात लंबाई और चौड़ाई सब का सब बराबर होता है वर्ग का, इसका ये मतलब हुआ, इसका ये मतलब है L माइनस 5 और B प्लस 2 आपस में इक्वल हो जाएगा। इसीलिए आप लिखेंगे, इसलिए L माइनस 5 बराबर हो जाएगा B प्लस 2 के। क्यों बराबर हो जाएगा? क्योंकि जैसे ही लंबाई आयताकार की लंबाई 5 मीटर घटती है, चौड़ाई 2 मीटर बढ़ती है, तो ये वर्ग बन जाता है वर्ग, और वर्ग की सारी भुजाएं बराबर है, लंबाई चौड़ाई आपस में इक्वल है, अर्थात बराबर है। तो बराबर है तो ये दोनों इक्वल हुआ कि नहीं हुआ? हुआ सर। अब आराम से इसको देखिए, जरा चीरफाड़ कीजिए, एल माइनस 5 को बाहर निकाल लीजिए बराबर, और बी प्लस 2 को भी बाहर निकाल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इस 5 को उधर बुला रहा है इसका रिश्तेदार, उस तरफ ले जाइए, तो L बराबर B अपने जगह पर रखिए, 2 को अपने जगह पर रखिए और 5 को इस तरफ ले आइए। तो 5 को लाइएगा तो प्लस में आ जाएगा, और L का मान आप निकालिएगा तो B में B तो रह जाएगा ऐसे ही, 2 प्लस 5 हो जाता है 7, यानी L का मान आया B प्लस 7। इसको कह दीजिए समीकरण नंबर 1, और ये टनाटन हो गया। कोई प्रॉब्लम नहीं सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब बात करते हैं कि ये जो क्षेत्रफल दिया हुआ है इसका क्या चक्कर है सर, इसका चक्कर समझते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, मैं आगे का प्रोसेस करता हूं, समझिएगा। देखिए यहां पर मैं लिख रहा हूं क्या, समझिएगा, थोड़ा सा कीड़ा ज्यादा उड़ रहा है, लाइट पर है ना, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर समझिए, आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई, एल गुना बी, ये आयत का क्षेत्रफल है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं, लंबाई को तो आपने एल कहा, चौड़ाई को आपने बी कहा, जरा से देखिए समीकरण नंबर 1 में एल का मान है बी प्लस 7, तो जहां एल है वहां हम बी प्लस 7 रख सकते हैं सर। तो चलिए रखते हैं डायरेक्ट यहां पर एल के जगह पर बी प्लस 7, बी प्लस 7, और गुना में क्या है तो बी है, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है 260, तो इसके जगह पर हो गया 260, कोई दिक्कत नहीं। फिर यहां पर आप लिखिए 260, उसके बाद बी में बी से मल्टीप्लाई होगा तो बी स्क्वायर, और प्लस 7 में बी से गुना होगा तो 7b। ध्यान दीजिएगा यहां पर, नोट करने वाली बातें हैं, यहां पर बी में बी से गुना बी स्क्वायर, 7 में बी से गुना 7b। अब जरा देखिए, इसको उस तरफ ले जाइए, इसको इधर बुला लीजिए, तो बी स्क्वायर प्लस का 7b और बराबर इसको इस तरफ ले जाइए 260, ठीक है ना। उसके बाद बी स्क्वायर प्लस का 7b और माइनस 260 इस तरफ आ जाएगा, बराबर में क्या बचेगा 0, और ये हुआ आपका फाइनल इक्वेशन, तैयार हुआ द्विघात समीकरण, जिसको आप सॉल्व करके फिर यहां से आप बी का मान निकालेंगे। चलिए निकालते हैं हम लोग, ध्यान दीजिएगा, यहां पर आप पहला गुणे तीसरा जोड़ घटा के दूसरा वाला गुणनखंड आपको तो आता ही होगा, यानी कि बी का गुणांक, बी स्क्वायर का गुणांक 1 है जिसको 260 से गुना करना है, यानी कुल मिला के माइनस में 260 आएगा, और बीच वाले को ब्रेक करना है 7 को। तो क्या आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, बी स्क्वायर, ठीक है, प्लस इसको आप लिख सकते हैं 20b और माइनस का 13b, क्योंकि 20 में से 13 घट गया तो प्लस में 7, समझिएगा बात को, और 20 का गुना अगर माइनस 13 से आप करते हैं तो माइनस का 260 आ जाएगा, और यही हमको चाहिए था, माइनस में 260 और बराबर में क्या है यहां पर 0,
ठीक है, इतना तो आपको करने आ गया। अब आगे बढ़िएगा, जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर दोनों में बी है, बी को आप कॉमन करेंगे, एगो बी बच जाएगा, यहाँ पर बीस बचेगा, यहाँ से क्या कॉमन होगा, माइनस, दोनों में से तेरह कॉमन कर लेंगे, तो तेरह कॉमन करेंगे तो आगे माइनस से अंदर का चिन्ह बदल जाएगा, यानी यहाँ बी बचेगा, यहाँ प्लस हो जाएगा, और 260 में से तेरह कॉमन होगा, तेरह लिखा हुआ है ये तेरह, तो क्या बचेगा, बीस, और बराबर में क्या है, जीरो। कॉमन करने का मतलब होता है भाग लगाना, आप तेरह से इसमें भाग लगा रहे हैं, तो तेरह बी में भाग लगाइएगा तेरह से, तेरह से तेरह कटेगा तो एक बचेगा, और यहाँ 260 में लगाइएगा तो 20 बचेगा, आगे माइनस था इसलिए अंदर का साइन बदल चुका है। अब देखिए यहाँ भी बी प्लस 20, यहाँ भी बी प्लस 20, दोनों में से वो कॉमन कर लीजिए, तो बी प्लस 20 को आप कॉमन कर लिए तो यहाँ बचा बी माइनस का तेरह, बी माइनस का तेरह, और बराबर में क्या चल रहा है, जीरो। अब इसको अलग अलग जीरो के बराबर कर लीजिए और फिर यहाँ से आपका बी का मान आसानी से निकल जाएगा। चलिए तो इस प्रोसेस को मैं यहाँ पर कर दे रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आप लिखेंगे कि बी प्लस 20 बराबर में जीरो, तो यहाँ से अगर आप बी का मान निकालना चाहते हैं तो ये 20 उस तरफ चला जाएगा माइनस में, देखिए जरा ध्यान दीजिएगा, ये बी इस तरफ आ गया माइनस में, है ना, यहाँ से इसकी बात हम कर रहे थे, ठीक है। उसके बाद अगर आप देखेंगे बी माइनस तेरह, बी माइनस तेरह, है ना, बी माइनस तेरह बराबर कितना है, तो जीरो है, तो बी का मान आप निकालेंगे तो ये तेरह आ गया इस तरफ प्लस में। अब आप देखिएगा यहाँ पर, तो बी का दू का मान आया है, एगो माइनस में एगो प्लस में है, तो यहाँ पर द्विघात समीकरण में एक कंडीशन पाई जाती है कि जो मान नेगेटिव में आता है, जो मान नेगेटिव में आता है उसका कोई मान्य नहीं होता है, तो लिखेंगे यह मान्य नहीं है, मान्य नहीं है, यानी मान्यता नहीं है, तो मान्यता है किसका, तो प्लस वाले का, यानी कि तेरह जो आया है, तो तेरह बी का मान आया है, तो सिर्फ आपको बी से मतलब थोड़ी है, चौड़ाई तो आपने निकाल दिया 20 मीटर, आप लंबाई भी तो निकालिएगा, तो आप लिखेंगे लंबाई, आप लिखेंगे यहां पर कि अतः आयताकार, आयताकार मैदान, मैदान की लंबाई, लंबाई कितना, तो लंबाई आपको निकालना है, यानी एल का मान निकालना है, ये एल का मान कहाँ से निकलेगा, समीकरण नंबर एक से। यहाँ पर अगर आप बी के जगह पर तेरह रखते हैं यहाँ पर, तो एल बराबर बी के जगह तेरह रखिए प्लस का सात, तो एल बराबर कितना आ गया, तेरह और सात कितना होता है, तो बीस होता है, यानी एल का मान आपके पास कितना आया, बीस आया। अगर हम लंबाई की बात करते हैं तो एल का मान कितना आ गया, तो बीस मीटर, कितना आ गया, 20 मीटर। अगर वही बात अगर हम चौड़ाई की करते हैं तो चौड़ाई का मान कितना है, 13 मीटर। आप यहां पर लिखेंगे कि तथा चौड़ाई, चौड़ाई है ना 13 मीटर है, और यही आपका क्या है सर, आंसर है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये सॉल्यूशन समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों के पास शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं एक नए क्वेश्चन के साथ, और भी अच्छे क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे गए उसको लेकर मैं आपके बीच उपस्थित हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।